नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋतिक बोथरा और आप देख रहे हैं हमारा अपना चैनल गरिमा बोथरा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विश्वविद्यालय और कॉलेज परीक्षाओं के बारे में। जो बड़ी अपडेट आ रही है उसके बारे में पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, यदि आपने अभी तक हमारे अपने चैनल गरिमा बोथरा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, जिससे सभी प्रकार के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आपके पास पहुँचे सही वह सटीक न्यूज। ये आप दोस्तों देख सकते हैं, राज्य में फाइनल सेमेस्टर की ही हो पाएगी लिखित परीक्षा, साफ साफ देख सकते हैं। और उच्च शिक्षा मंत्री जी ने दोस्तों क्या कहा है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। यह आप देख सकते हैं, प्रदेश के विश्वविद्यालय में इस साल भी फाइनल सेमेस्टर या अंतिम वर्ष के छात्रों की ही परीक्षाएं संभव हो पाएगी। शेष कक्षाओं में आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर छात्रों को प्रमोट किया जा सकता है। ये दोस्तों ऑफिशियल अपडेट आप देख सकते हैं। पिछले साल के लॉकडाउन के कारण कॉलेज पूरी तरह फरवरी से खुल पाए थे, जबकि अप्रैल में फिर बंद हो गए। इससे कई विश्वविद्यालय अभी एक भी सेमेस्टर की परीक्षाएं नहीं करवा पाए हैं। बहरहाल, कोविड के हालात देख विभाग अब फाइनल परीक्षाओं पर मंथन करने में जुटा है। विश्वविद्यालयों के अनुसार अब तक के जो हालात हैं उनमें फिलहाल फाइनल सेमेस्टर के छात्रों की ही लिखित परीक्षा संभव हो पाएगी। वहीं कोविड ने इस साल विश्वविद्यालय कॉलेजों में ग्रीष्मकालीन अवकाश है वो मई में ही घोषित कर दिया है। कॉलेजों में जून दूसरे सप्ताह तक अवकाश रहेगा। यदि कॉलेज खुले तो फाइनल सेमेस्टर और अंतिम वर्ष की परीक्षाएं भी सितंबर से पहले संभव नजर नहीं आ रही है। साफ साफ आप देख सकते हैं, केवल अंतिम सेमेस्टर या फाइनल ईयर के परीक्षाओं की बात की जा रही है और वो भी कहा जा रहा है कि सितंबर से पहले वो परीक्षाएं भी संभव नहीं है, क्योंकि फरवरी में तो पूरी तरीके से कॉलेज खुले थे तो ना तो अभी तक पाठ्यक्रम पूरा हो पाया है और ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पर खानापूर्ति की जा रही है। ग्रामीण परिवेश के विद्यार्थियों तक है वो नेट कनेक्टिविटी नहीं है, ना ही प्रॉपर दोस्तों क्लासेज ली जा रही है। इस कारण से फाइनल सेमेस्टर या फाइनल ईयर के विद्यार्थियों की भी परीक्षाएं होती है तो वो भी सितंबर से पहले है वो संभव नजर नहीं आ रही है। और आप देख सकते हैं दोस्तों, जो राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री है धन सिंह जी रावत, मैं बात कर रहा हूँ उत्तराखंड राज्य की, तो वो क्या कह रहे हैं आप साफ साफ देख सकते हैं। सभी कुलपतियों से परीक्षा आयोजन पर राय मांगी गई है। जून दूसरे हफ्ते तक परीक्षाओं पर स्थिति स्पष्ट कर दी जाएगी, यानी इसमें कहा गया कि 15 जून से पहले पहले है वो पूरी स्थिति स्पष्ट कर दी जाएगी। परीक्षाओं को लेकर के समस्या वार्षिक प्रणाली को लेकर के है, बहुत संभव हुआ तो पिछले साल की तरह ही व्यवस्था की जाएगी। ये बात दोस्तों आप देख सकते हैं, इसमें कहा है कि बहुत संभव है, बहुत संभव हुआ कि पिछले साल की तरह ही व्यवस्था की जाएगी। तो पिछले साल जो व्यवस्था थी वो ये थी कि केवल फाइनल ईयर के विद्यार्थियों की है वो परीक्षाएं करवाई गई थी, बाकी जितने भी विद्यार्थी है चाहे फर्स्ट ईयर के हो, सेकेंड ईयर के हो या फिर दोस्तों आप सेमेस्टर के विद्यार्थियों की बात करें तो टर्म सेमेस्टर को छोड़ करके जो मिड सेमेस्टर के विद्यार्थी जितने भी थे या फर्स्ट सेम के विद्यार्थी थे उन सभी को बिना परीक्षा के ही अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया गया था। और इस बार भी धन सिंह जी रावत जी का यही कहना है जो उच्च शिक्षा मंत्री है कि बहुत संभव है कि इस बार भी हमें यही करना पड़े, क्योंकि कोरोना संक्रमण है वो अब कम जोरा जरूर हो रहा है लेकिन तीसरी लहर के बारे में दोस्तों जो वैज्ञानिक है साइंटिस्ट है उन्होंने पहले ही चेता दिया है और उनका जो असर है वो बच्चों पर विद्यार्थियों पर है वो ज़्यादा पड़ने वाला है, इसको लेकर भी कहा गया है। तो उसकी भी हमें माकूल तैयारी करनी होगी और अभी तक वैक्सीन भी है वो सभी कॉलेज विद्यार्थियों को नहीं लगाई गई है, तो परीक्षाओं का आयोजन किस प्रकार से हो यह भी देखने वाली बात होगी। इस पर कोई भी दोस्तों अपडेट आती है तो सबसे पहले आपको हमारे अपने चैनल गरिमा बोथरा के माध्यम से दे दी जाएगी जानकारी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को दबा लें। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक शेयर करें।